ये है कन्याकुमारी। बचपन से ही हर काम में आगे, चाहे वो कॉलेज का इलेक्शन हो या हो घर का काम। गली मोहल्ले के लोग कहते थे ऐसी होनहार बेटी हर किसी को मिले। जिंदगी में एक नई सोच और नए मुकाम पे पहुंचना जैसे इनकी आदत थी। लेकिन कहते हैं ना, बेटी तो पराई होती है। शादी के बाद कन्याकुमारी की उम्मीदों के जैसे पंख कट गए। सास ससुर और पति के लिए फर्ज निभाते निभाते जैसे वो अपना ही फर्ज नहीं निभा पा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब कन्याकुमारी वोट देने निकली तो घर वालों ने कहा कि हमारे घर की बहू बेटियां दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती, और रही बात वोट की तो सुन लो, ना हम वोट देते हैं ना तुम देने जाओगी। जब कन्याकुमारी ने अपने सास ससुर को समझाने की कोशिश की तो सास ने बोल ही दिया, रहना है तो रहो, नहीं तो अपने घर चली जाओ। पर कहते हैं ना, मन लगाकर अगर कोई काम करने की ठान लो तो पर्वत भी रास्ते दे देते हैं। कन्याकुमारी ने अपने सास ससुर को मना लिया और अब 5 साल के बाद कन्याकुमारी बहुत खुश है, क्योंकि वो अकेले नहीं अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने जाएगी। कन्याकुमारी जैसी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। रेड एफएम पर मैं हूं आरजे स्मिता। इस इलेक्शन सीजन ऐसे ही इलेक्शन से जुड़ी हुई कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि रेड एफएम कहता है अब वतन दबाएगा बटन। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अब वतन दबाएगा बटन।